हाय दोस्तों, अमित के ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप अपने प्राइवेसी पासवर्ड का सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है टीचर नेम, उसका आंसर आप कैसे पता कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसी में परेशान हैं कि उनको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, टीचर नेम क्या डाला था वो भूल चुके हैं, लेकिन जो भूल चुके हैं वही टीचर नेम एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं। तो ये वीडियो का पूरा देखना, आप भी जान पाओगे कि आपने क्या टीचर नेम को सेट किया था। इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूं कि कैसे पता करते हैं टीचर नेम। चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम ये दिखा देते हैं आपको, ये हमारा YouTube है, इसमें लॉक लगा है, इसका पासवर्ड तो मुझे नहीं पता है और इसे हम फॉरगेट करते हैं। यहाँ पे देखो, रिसेट फ्रॉम सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछता है हमें फॉर्मर टीचर नेम और इसका आंसर तो मुझे नहीं पता है। अब भाई इसका आंसर में मैं क्या डालूं, क्योंकि इसका आंसर तो मैं भूल चुका हूं, तो हम यहाँ पे क्या डालें। अगर हम आंसर डाल लेते हैं तो हमारा लॉक खुल जाएगा। तो इसे पता करने के लिए कि हमने आंसर क्या डाला था टीचर नेम की जगह, तो आपको करना क्या है, इसे पता करने के लिए आपको चलना है फोन की सेटिंग्स में। फोन के सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा दोस्त, यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का। इसके ऊपर जब आप दबाओगे तो आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मैनेज पासवर्ड का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको गूगल के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे देख लो जो भी ऐप में लॉक लगा था, जैसे कि हमारा यूट्यूब में लगा है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा फोन का लॉक पूछ रहा है, मैंने अपना फोन का लॉक डाल दिया। यहाँ पे देख लो इंटर फॉर्मर टीचर नेम बोल रहा है और यहाँ पे देखने के लिए ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड देख सकते हो, इंटर टीचर नेम ने हम जो है वो अमित डाले थे। देखो हम भूल चुके हैं लेकिन हमारा फोन सेव करके रखा है हमारा पासवर्ड को, तो हमारा पासवर्ड है अमित। अब हमें पता चल चुका है कि इंटर फॉर्मर टीचर नेम जो पूछ रहा है ना, ये फॉर्मर टीचर नेम हमारा अमित है, तो हम यहाँ पे अमित जो है वो लिख लेते हैं। आपका भी जो भी वहां पे दिखाया वो यहाँ पे डाल दो और कन्फर्म कर दो। ये देख लो हमारा प्राइवेसी पासवर्ड खुल चुका है। अब यहाँ पे हम एक नया पासवर्ड जो है वो डाल सकते हैं काफी आसानी से। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना।